यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 विज्ञान पार्ट नंबर 6 टॉपिक चला ऊतक। इसमें हम बात करने वाले हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम कितने प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फ्लोएम किस किस से मिलकर बना होता है, यानी कि फ्लोएम पांच प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। तो फ्लोएम कितने प्रकार के अवयवों से मिलकर बनता है, पांच प्रकार के। तो पहला है इसमें चालनी कोशिकाएं, दूसरा है चालनी नलिकाएं, तीसरा है साथी कोशिकाएं, चौथा है फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड पांचवा प्रकार है फ्लोएम रेशे। ये पांच प्रकार के अवयव होते हैं जिनसे फ्लोएम मिलकर बना होता है। तो फ्लोएम कितने प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होगा, पांच प्रकार के। अगर इसका फ्लोएम सेक्शन की का हम फिगर बनाएं, ठीक है, तो फ्लोएम पांच प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। तो फ्लोएम सेक्शन का चित्र बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम दे देते हैं, फ्लोएम सेक्शन जहाँ पे फ्लोएम पाया जाता है का चित्र बनाना है, ठीक है। तो आंसर कुछ इस तरह से होगा, ये तो फ्लोएम सेक्शन पांच प्रकार के उसमें अवयव होंगे, ठीक है, तो पांचों उसमें नज़र आएंगे। देखिएगा, एक ये नलिका है, ये नलिका बनी हुई है और यहाँ पे छोटे छोटे से कुछ स्टेप्स नज़र आते हैं और यहाँ दो छोटी छोटी नलिकाएँ आएंगी। ये नलिकाएँ आएंगी इस तरह से, यहाँ पे ये जो नलिकाएँ हैं इस नलिका को इस तरह से ये मैच कर रही होती है आगे चल के, ठीक है। और इसका जो सेक्शन होता है इस प्रकार से, यहाँ पे कोशिका इस प्रकार से नज़र आती हैं और आगे की ओर जैसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स में यहाँ पे कोशिका के छिद्र या स्पेस नज़र आते हैं, छोटे छोटे कोशिका का केंद्रक दिखता है। और इस वाले में भी यहाँ पे और नलिका नज़र आती है, ठीक है, ये नलिकाएं इसके साथ मिल जाती हैं जैसे यहाँ पे होता है, इसी प्रकार यहाँ पे भी। और इसकी जो पौधे की या पेड़ की जो बाहरी सतह होती है वो यह है, इसमें भी छोटे छोटे स्टेप्स से होते हैं, जो पेड़ की छाल जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे इसके डिवाइडेशन थोड़े से पार्ट से दिखते हैं, इसमें कुछ केंद्रक से कुछ धब्बे से दिखेंगे अगर सूक्ष्मदर्शी से लिया। जो बीच का जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं चालनी नलिका, जो बीचों बीच होती है, एक नलिका ये एक नलिका उसके बीच वाला ये वाला जो स्पेस है ये होती है चालनी नलिका, जो खाली नज़र आ रहा है। ऊपर की जो प्लेट्स हैं इनको हम कहते हैं चालनी प्लेट, ठीक है। और ये होता है बाहरी भाग जो होता है जो पेड़ों की मजबूती प्रदान करता है, फ्लोएम यानी कि जो छाल या पेड़ों पे जो ऊपरी भाग होता है जिसको काटते हैं कट जाती है और पेड़ में किसी प्रकार का, जैसे कि बड़े पेड़ हैं ऊपर से कुछ छाल टाइप गिरती रहती है टूट टूट के, वो होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है। और
यहाँ पे जो कोशिकाएं बनी होती हैं, ये छोटी छोटी कोशिकाएं छिद्रक के साथ जो बनी हुई हैं, इसको कहते हैं साथी कोशिकाएं, साथी कोशिका। ठीक है, तो पांच पार्ट नज़र आ गए होंगे, 1, 2, 3, 4, एक पार्ट और था, चालनी प्लेट, चालनी नलिका, चालनी प्लेट आ गया, चालनी नलिका आ गया, फ्लोएम पेरेन्काइमा आ गया, एंड साथी कोशिका आ गई, और साथी कोशिका, फ्लोएम रेशे। हाँ, रेशों की बात आती है तो रेशे इसका यहाँ पर जो पार्ट होती है, जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है, इस पे बाहर की साइड में लगे होते हैं। ठीक है, तो बाहरी भाग पर जो लगे होते हैं वो होते हैं फ्लोएम रेशे, फ्लोएम रेशे। ठीक है, तो ये था फ्लोएम सेक्शन का।